तो दोस्तों यहाँ पे जंगली सुअर आ गया है और हमारा रास्ता रोक के रखा है। अब इसको कैसे टैकल करना रहा? जंगली सुअर ही है या कोई और जानवर ही है? मेरे हिसाब से तो, मेरी नॉलेज में तो जंगली सुअर ही है। सो हेलो नमस्ते, जिंदगी जी हस्ते हस्ते, दिस इज मुकुल सोलंकी, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर एक्सप्लोरर। तो आज हम आए बिजुलाई पैलेस के पास के आश्रम में, यहाँ पे उसके पास में आए हैं। वहाँ तो परमिशन मिली नहीं, तो यहाँ पे आके शूट करने की परमिशन मिली है। और यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे आश्रम भी है और यहाँ पे बहुत सारी बतके हैं जो कि झुंड में आती है और लाइन बना के आती है जैसे एक ट्रेन आ रही हो। और भी अच्छी चीज़, यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि ना जोधपुर के, मतलब कहीं पे भी इंडिया में कोई भी अच्छी जगह है तो वहाँ पे मंदिर तो एक कोई ना कोई मंदिर तो अवश्य वहाँ पे होगा ही होगा। तो बड़े धार्मिक है हम हिंदू लोग। चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर आश्रम के अंदर, और फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको बतकों के पास में। तो बिजुलाई लेक के पास जाने से पहले यहाँ पे एक आश्रम में मंदिर बना हुआ है, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और ये लेफ्ट साइड में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और इसके भी लेफ्ट साइड में गणेश जी का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। और वहाँ से आगे बढ़ते ये गुफा में माता जी का मंदिर बना हुआ है। और आप यहाँ के मंदिर के सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ मांग लेता हूँ। और आश्रम में बने हुए मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बिजुलाई लेक की तरफ। हरिओम 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 हरिओम, आप बुला रहे हो ना? वो जा रहे हैं, जुआ डालो ता जाएगी। अच्छा हरिओम 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 हरिओम। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on.
towards the sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. देख सकते हैं पीछे ये बिजला लेक है और कुछ इस तरह से इनको बतखों को बुलाया जाता है चुगा फेंकने के लिए या नहकने के लिए। चुगा तो नहीं है इसको, वैसे जमार कहते हैं। और अभी ये वहाँ पे गई हुई है और अभी इनको बुलाया जाएगा वापस। जगह बहुत ही अच्छी है, बड़ी शांत जगह है यहाँ पे। आप यहाँ अपने फैमिली के साथ में आ सकते हो और ये बतखे कोई ज़्यादा कोई दूसरी प्लेस पर आपको मिलेगी नहीं, केवल इसी प्लेस पर मिलेगी। इस प्लेस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में डाल दूंगा, तो आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे पता नहीं आओगे नहीं आओगे, आपको दिखाई देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दो तरीके के बतके हैं, ब्लैक भी है और दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी आपको, वाइट कलर की भी है जो कि उस साइड में है। और ये बिजुला आश्रम है, यहाँ से आप आओगे तो आप आराम से मुफ्त में आ सकते हो, वरना वहाँ से तो मनी चार्जेस कर रहे थे कुछ 15-20 हज़ार रुपये बिजुलाई पैलेस वाले। जोधपुर वाला फोगोट का काम चाहिए, सही है नहीं है? जोधपुर वाले मारवाड़ी लोग हैं, फोगोट का काम चाहिए। वहाँ चले गए वहाँ गणेश जी का मंदिर, और पीछे उस तरफ गणेश जी का मंदिर है। चलो उस तरफ चलते हैं। और ये मेरे फ्रेंड है आज के, इसका नाम है मनीष, भाई कम फ्रेंड ज़्यादा। और ये तो मेरे प्योर फ्रेंड ही है नंदू, सबका बंधु। आ जाओ। तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा ऑफ ट्रैक रास्ता लेना पड़ेगा। बतखों के बुलाने की स्टाइल यहाँ पे बहुत यूनिक है। हरिओम हरिओम बोलो, हरिओम हरिओम। तो आप भी जवार लेके आ सकते हो और इनको जवार खिला सकते हो और इनके साथ सेल्फी वगैरह कुछ भी जो भी आपको वीडियो वगैरह बनाना है वो बना सकते हो। खैर मैंने तो इनका ही वीडियो बनाया, अपना वीडियो बनाया नहीं है। अभी ये वापस आएंगे तब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं गणेश जी के मंदिर में। खैर इससे पहले मैंने गणेश जी का मंदिर का ब्लॉग बनाया था, विछड़िया गजनंदी, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, कि वो मंदिर भी बहुत यूनिक था अपने आप में। और ये मंदिर भी शायद हो सकता है यूनिक। कहाँ पे है ये रहा, है ना? कैसे कैसे, हाँ ये रहा। आज का भी डायरेक्शन पता नहीं है, ज़्यादा सेल्फी मोड पे कैमरा यूज़ किया नहीं है मैंने। हेलो दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको एक और गणेश जी के मंदिर में।
यहाँ से व्यू तो बहुत ही जबरदस्त आ रहा है दोस्तों। हाँ 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 दिखाऊं क्या, देखना है? चलो दिखा देता हूँ। गाइस गणेश जी के मंदिर का दर्शन कर लिया है, देखो पीछे ताले भी लग गए हैं, तो सब चले गए हैं, हम भी चलते हैं यहाँ से। आ जाओ इन तीनों की आईडी, दोनों को सॉरी तीन तो मैं ही हूँ, दोनों की आईडी का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी का, तो इनको भी फॉलो कर देना, मेरे साथ में आते हैं, मतलब मेरी हेल्प बहुत बहुत हेल्प करते हैं, खासकर ये नंदू तो कैमरे के पीछे रहता है, ये मेरा शूटर है शूटर। तो गाइस जगह बहुत ही मनमोहित करने वाली है, आप भी यहाँ आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, बुरा इस बात का लग सकता है आपको, एक बात का ही लग सकता है कि यहाँ पे आपको आने की परमिशन मिले ना मिले, क्यों हमें भी बहुत जान पहचान और कॉन्टेक्ट लगाने के बाद ही परमिशन मिली है आने की, तो वो सीन आपके साथ भी शायद हो सकता है। खैर मेरा नाम ले लेना आप, इतना तो चलता ही है यार, छोटा मोटा मजाक, नाम नहीं, नाम चलेगा तो बहुत, वैसा 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 बेशुमार चलेगा। मैं पहले सोचा था ये कायलाना लेक का पानी आता होगा, लेकिन ये लेक कायलाना लेक का पानी यहाँ नहीं आता, यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ों में से जो भी बारिश होती है, बरसात होती है मानसून में, उसका पानी ये जमा होके यहाँ पे इकट्ठा हो रखा होता है इस लेक में, तो ये भ्रम भी दूर हो गए मेरा, आगे ना जाने कितने भ्रम दूर हो गए, लेकिन अभी फिलहाल तो एक यही कोई नया भ्रम दूर हुआ है। हाँ भाई क्या हुआ, डर लग रहा था क्या, मेरे साथ चलेगा तू, आजा आजा, ये अपना एक नया दोस्त जो कि आप बना है, और मैं बता रहा था कि ब्लॉग बनाने के भी फायदे हैं, फायदे तो मेरे को फ़ायदा हुआ ही है कि मैं पहले पूरा दिन अपने नॉर्मली घर में रहता था तो लोअर टी शर्ट में निकाल देता था, लेकिन अब क्या है ब्लॉग बनाने के चक्करों में या वीडियो बनाने के चक्करों में उसकी वजह से जो भी कपड़े हैं जितने भी हैं सारे मैं अब पहनने लग गया हूँ, तो धीरे धीरे ये चीज़ भी अच्छी हुई कि वो कपड़ों का यूटिलाइज भी हो रहा है, ये चीज़ सबसे बेस्ट हुई मानना पड़ेगा। और हरिओम का साउंड आ रहा है तो मतलब कोई और भी इनको बच्चों को बुला रहा है, चलते एक और शॉट खींचते हैं, वैसे तो बहुत सारे शॉट ले लिए मैंने, लेकिन ज़्यादा शॉट अच्छा ही है एक दो, क्योंकि ज़्यादा जितने ज़्यादा शॉट लेते हैं उसमें से ही कुछ चुनिंदा शॉट निकलते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपन जाते ही बेस्ट शॉट ले लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स लेने पड़ते हैं, उसमें से जाके कुछ इक्का दुक्का बढ़िया शॉट आते हैं जो कि मेरे को भी अच्छे लगते हैं, ना आई नो आपको भी अच्छे लगते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जंगली सुअर आ गया है और हमारा रास्ता रोक के रखा है, अब इसको कैसे टैकल करना रहा, जंगली सुअर ही है या कोई और जानवर ही है, मेरे हिसाब से तो मेरी नॉलेज में तो जंगली सुअर ही है, बड़ा पास में आ गया है ये, बड़ी हलचल कर रहा है ये, जा भी नहीं रहा, अरे ओए अरे इसे छेड़ो मत उसको, हंसी मजाक करते रहेगा, थोड़ा दोस्त दोस्त बनाते यार, निकलने देगा अपन को, डर गए हैं सब के सब यहाँ पे, सहम गए हम, डर लग रहा है क्या, तो घर कैसे जाएंगे हम लोग, घर क्या मेरे को तैरनी भी नहीं आती, पानी में कैसे चलूं, चलो चलते हैं, डर के आगे जीत है, बाय बाय, अरे हाथ मत करो भाई, चलो उसको कहते हैं बाय बाय और इस प्लेस को भी कहते हैं अलविदा। चलो दोस्तों जंगली सुअर से टैकल हो करके अब आए यहाँ पे, चलते हैं बाहर की तरफ आश्रम के, आश्रम से एग्जिट होते हैं।
पहले तो ये गेट है, गेट क्या बंद हो गया क्या, ये खुला है ना गेट? चलो गेट खुला है, वरना और कुछ नहीं एक्सरसाइज हो जाती फालतू में फ्री पॉकेट में, कूद के जाना पड़ता। क्या हुआ? जगह बड़ी खतरनाक है, जंगली सुअर बत्तख वगैरह सब है यहाँ पे, सब टाइप के जानवर मिल जाएंगे आपको, मेरे टाइप का भी और आपके टाइप का भी, चिंता मत करो। फूल बड़ा शानदार है यहाँ पे। तो गाइस पूरा एक्सप्लोर कर लिया है हमने परमहंस श्री कृष्णगिरी आश्रम, और वहाँ पे पीछे बिजली लेक भी थी, वो भी हमने पूरे एक्सप्लोर कर लिए, जो भी बत्ती वत्ती थी आपको सब दिखा दिया मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ अ डे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।